हेलो फ्रेंड्स, तो आज हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और 5 मंथ्स के बाद में स्कैल्प की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। इमेजेस भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं, जिनको कि आप देख सकते हैं क्लोज़र लुक में। मेरे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके पर कमेंट थे एक पर्सन के कि सर आपकी जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी स्लो है। इस पर मैंने उनसे पूछा कि सर आप प्लीज़ अपनी हेयर ग्रोथ के वीडियोस मुझे शेयर कीजिए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी जो ट्रांसप्लांट है वो कराया नहीं है, ही इज़ प्लानिंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, लेकिन उन्होंने किन्हीं और लोगों के वीडियोज़ देखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको लग रहा है कि हेयर ग्रोथ मेरी स्लो है। बट इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि नॉर्मल जो हेयर होते हैं उनकी भी पर्सन टू पर्सन हेयर ग्रोथ की जो स्पीड होती है वो अलग होती है। हालांकि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, डेंसिटी पहले से काफ़ी बेटर है 5th मंथ पे और डे बाई डे और अच्छी इम्प्रूव हो रही है। उनको मैं यही रिप्लाई करना चाहूँगा कि पर्सन टू पर्सन हेयर ग्रोथ वेरी कर सकती है, और अगर वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ही शुड गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, और उनको किसी ना किसी एक बेटर हेयर सर्जन को सर्च करना चाहिए अपने एरिया के अंदर, और उसके बाद में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी चाहिए। बिकॉज़ जो सर्जन है उनकी जो एक्सपर्टीज़ है या उनका एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। बिकॉज़ हेयर लाइन बनाना और जो स्लिट्स होती हैं जहाँ पर हेयर फॉलिकल्स को लगाया जाता है वो प्रॉपरली इंसर्ट हों, प्रॉपरली जो स्लिट्स हैं वो बनाई जाएं, ये बहुत ही एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट थिंग है हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के अंदर। एक और क्वेरी मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू रिसीव हुई है, जिसमें मुझे जो पर्सन है उन्होंने पूछा है कि सर आप जो मिनोक्सिडिल लगाते हैं मिनटॉप युवा, क्या इसमें अल्कोहल है? तो डेफिनेटली ये अल्कोहल बेस है, इसमें बेंजिल अल्कोहल है और 2% वेट पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसमें अल्कोहल मौजूद है। हालांकि जो ये जो मिनटॉप युवा है डॉक्टर रेडीज का, ये मुझे स्टार्टिंग से डॉक्टर ने यही प्रेस्क्राइब किया था और ये मुझे सूट भी कर रहा है। बिकॉज मैंने ऐसा सुना है और देखा भी है काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस के अंदर कि जो जनरली जो मिनोक्सिडिल होता है वो जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं स्कैल्प पर, तो लोगों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, बट मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। और ये वाला जो मिनोक्सिडिल है मिनटॉप युवा 5%, तो ये मुझे काफ़ी सूट कर रहा है और इसको मैं लगा रहा हूँ, इससे मुझे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है एंड इट इज़ गिविंग आई थिंक गुड रिजल्ट्स टू मी। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करते हैं। दूसरी बात यह है कि एडवाइस के अलावा आपको सूट करता है कि नहीं करता। अगर सूट नहीं करता तो यू कैन आस्क योर डॉक्टर फॉर अ डिफरेंट ब्रांड और कंपोजिशन, बिकॉज आजकल अल्कोहल बेस भी आते हैं, उसके अलावा विदाउट अल्कोहल भी आते हैं, फॉर्म बेस भी आते हैं, और भी मल्टीपल कंपनीज के मिनोक्सिडिल 5% सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो भी क्वेश्चंस हैं इसी तरीके से आप लोग मुझसे पूछते रहिए, कनेक्टेड रहिए। मैं अपने हेयर ग्रोथ की जर्नी आप लोगों के साथ में इसी तरह से शेयर करता रहूँगा। जो भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ बी विद मी। Thanks for watching and have a nice day.